अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग। अनाप के साथ इवनिंग लाउंज में, और जनाब इतनी तेजी के साथ दिन गुजरते चले जा रहे हैं और अब के ईद भी बहुत ज्यादा करीब। लेकिन सबसे ज्यादा जो ईद का इंतजार कर रहे होते हैं वो कर रहे होते हैं बच्चे, लेकिन बच्चों के बाद जिनका नंबर आता है। हाँ हाँ हाँ, हम लोग बिल्कुल समझ गए होंगे। माशाल्लाह खवातीन जो है वो इस दौर में बड़ा आगे होती है और ईद की बड़ी तैयारियां होती हैं, शॉपिंग होती है, और पता नहीं पूरा जो रमजान का जो मंथ है वो शॉपिंग कर 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 करके भी, लेकिन चांद रात को आप जाएंगे तो फिर भी उनकी तैयारी कंप्लीट नहीं होती, और मेरा शुमार भी उन्हीं लोगों में होता है। तो सीरियसली कहते हमारा हक है सजना सवरना, तैयार होना। लेकिन इसके साथ साथ खवातीन का जो एक और काम होता है, वो बेचारी अपनी किचन में बड़ा मसरूफ रहती है, लेकिन साथ साथ अगर वो अपना ख्याल भी रखें तो ये बहुत अच्छी बात है। घर वाले भी बड़े खुश होते हैं, एक फ्रेश फ्रेश हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा मिले तो बड़ा अच्छा लगता है कि ईद की खुशियाँ भी डबल हो जाती हैं। जो आपके घर में मेहमान आते हैं वो भी देखते हैं कि जी हमारे लिए इतना कुछ किया है, लेकिन खातून खाना कितनी चमक रही हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा खुद टाइम भी निकालना पड़ता है, और अब तो ईद करीब है, इंशाल्लाह के शायद जी मंडे को ईद हो जाएगी, और उसमें कि खवातीन की तैयारियां बहुत ज़्यादा हैं, और ईद से पहले थोड़े से उन्हें ईद से एक दो दिन पहले वो उनकी तैयारियां खाने पकाने में ज़्यादा होती है कि जी ये भी बना के रख दें, ये भी बना के रख दें, ये भी बना के रख दें। उनका जो ये टाइम है ना खूबसूरती वाला, वो पीक टाइम अभी वाला है, जिस पर खवातीन जो है वो पॉलर्स का रुख कर लेती हैं, अपनी स्किन को चमका रही होती हैं, हेयर कलर्स अच्छे अच्छे से ले रही होती हैं। तो आज थोड़ा सा जो मैं बात करने वाली हूँ कि एक जो खवातीन के जो मेकअप सॉरी सारी चीज़ें होती हैं, बट एक जो चीज़ है हर वक्त मेकअप भी नहीं करके रख सकते, फिर स्किन जो फेशियल्स हैं वो भी हम मंथली करवाते हैं, लेकिन एक चीज़ जो है वो पूरा आपके टाइम जब तक आप नेक्स्ट वो ना ले लें तो सर्विस ये वाली, तो उस वक्त तक ही आपका पूरा टाइम निकाल लेती है खूबसूरती में, और वो होती है हेयर्स के हवाले से, कि जितने बाल आपके अच्छे होंगे, जितने खूबसूरत उनके शेड्स होंगे, जितने अच्छे खूबसूरत उनके कलर्स होंगे, स्ट्रिकिंग्स होती हैं या कुछ ऐसे जो है ना आपने उसके फ्लेक्स को करवा लिया होता है हाईलाइट, तो ये बहुत ज़्यादा आपके फेस को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। इसके बारे में बात करेंगे, क्वेश्चन भी होगा और डॉक्टर रिजवान भी होंगे। होंगे क्या मतलब है, हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक डॉक्टर साहब, क्या बात है। मैं तो सब खवातीन की बात की, आपकी तो तैयारियां अभी से माशाल्लाह जी। मेरी जो है 14 अगस्त की थी, मैंने कहा कल 14 अगस्त है तो आज थोड़ा सा वेयर कर लिया जाए, जबरदस्त वो बेज जल्दी जल्दी में रह गया। पूरी तैयारी थी, पूरी तैयारी है। देखे माशाल्लाह माशाल्लाह कि हमारे जो मुल्क की खिदमत एक तरह से तो अपने काम से कर रहे हैं, और वैसे भी दूसरे भी जो है ना वो अपनी मोहब्बत दिखा रहे हैं कि हमें वतन से कितनी मोहब्बत है। मेरे भी आप लोग ये मत समझिए, मेरे भी दुपट्टे में देखे यहाँ पर पूरा यही कहने वाला था कि जो है अना की भी स्पेशल आज तैयारी है। बिल्कुल, तो ये मेरी भी जो तैयारी है ये हमारा बड़ा जबरदस्त अच्छा से जो मुझे वार्डरोब दे रहे हैं, आप लोग भी इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं जल्दी से, ईद के अच्छे से जबरदस्त से इनसे ड्रेसेस भी ले सकते हैं। मैं इनका नंबर भी स्क्रीन पर आप लोगों के लिए शो करती रहूंगी बार बार, तो जाए टेंशन से बच जाए कि क्या करना है, कपड़े कैसे बनाने। खैर आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर साहब पहले सवाल बता देते हैं फिर आगे बहुत सारी बातें, क्योंकि आज ज्यादा मैंने हेयर्स को भी डिस्कस करना है। ठीक है ना, आप देख रहे हैं मेरे बाल कितने अच्छे लग रहे हैं, बहुत खूबसूरत। तारीफ ये नहीं करते, जबरदस्ती करवा लेती हूँ। अच्छा जी, आपने बताना है, सवाल की तरफ आते हैं, और आपने देखा कि पूरा मंथ हमने इस्लामिक क्वेश्चंस रखे थे, और इसे देखें कि लोगों में एक अवेयरनेस बढ़ती है कि वो इस्लामी मुताला ज़्यादा करें, इस्लामी स्टडीज़ को ज़्यादा फोकस करें, और हमारे जैसे सवालात होते हैं। आज भी कोई मैं इसमें ऑप्शन नहीं रखूंगी, आसान सा सवाल, इसका आपने जवाब देना है, कुरान मजीद में कुल कितने रुकू हैं। ठीक है जी, कुरान मजीद में कुल कितने रुकू हैं, आपने इसका जवाब जल्द से जल्द देना है। इसके साथ साथ डॉक्टर साहब से आप कोई भी जो आपका स्किन प्रॉब्लम है, हेयर प्रॉब्लम है, ओबेसिटी के हवाले से आप पूछ सकते हैं, जो भी आप पूछना चाहें हेयर्स के वाले से पूछ सकते हैं, और ब्यूटी सर्विसेज के बारे में पूछ सकते हैं, तो आप डॉक्टर साहब को कॉल करें, इस सवाल का जवाब दें। डॉक्टर साहब गिफ्ट क्या मिलेगा? अच्छा ये बताइए, अगर मैं इसका जवाब दूं तो मुझे कुछ गिफ्ट मिलेगा? हम तो खुद आपसे ले रहे हैं। मैंने भी डॉक्टर साहब से जबरदस्त एक गिफ्ट लिया, वो आप लोगों को मैं बताऊंगी इंशाल्लाह बहुत जल्दी। इसके साथ साथ जनाब डॉक्टर साहब से सबसे पहले जो मैं मालूम करना चाहती हूँ, क्योंकि डॉक्टर साहब आज बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल कर आए, बड़ा क्राउड था माशाल्लाह से इनके सैलून पे, लेकिन मैंने कहा डॉक्टर साहब आपने आना है ईद के करीब, अगर आप ही ना हुए और लोगों को बताया नहीं चीज़ों के बारे में, सर्विसेज के बारे में, तो मज़ा नहीं रहेगा, थोड़ा सा टाइम वहाँ से निकालिए। और आज बड़ा मतलब ये कि इसरार करके सैलून में तो माशाल्लाह रश भी था, लेकिन आज ट्रैफिक भी बहुत जाम, ट्रैफिक भी बहुत जाम, बस लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वक्त पे यानी कि अच्छा कल ऑफ है एक्चुअली, लोग जल्दी जल्दी से अपना वाइंड अप करके काम भी, तो उन्होंने कहा शॉपिंग भी करें, चले भी गए बाहर, 14 अगस्त की खुशी भी है सबको, 14 अगस्त की वाकई खुशी भी है, और जो लोग
काफी जोश और खरोश पाया जा रहा है. अल्लाह ताला ये जोश और खरोश हमेशा रहे, क्योंकि मुल्क से जो मोहब्बत करते हैं वो समझ लीजिए बहुत ही यानी के लायक और फाइक लोग होते हैं. बिल्कुल, अहम खाम का जो ऐसी अपने मुल्क को ठहराते रहते हैं कहीं ना कहीं के जी इल्जाम देते रहते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात नहीं है. अच्छा जी, इसके साथ कॉलर्स को भी शामिल करना शुरू करते हैं, देखते हैं हमारे साथ कौन है. अस्सलाम वालेकुम. नवाजिश है जनाब आपकी. कैसी है? बहुत खूबसूरत लगते हैं, बहुत प्यारी लगती हैं, और आपके पास में जो चांद निकला है पहले भी इससे हम बहुत कैसी है अल्लाह रखी साहिबा, आप खैरियत से हैं? जी, आपकी दुआएं डॉक्टर साहब. आपको याद आ गई हमारी? आती है जी, ये इन्होंने पता नहीं एक ही नंबर रखा हुआ, जब आप आते हैं इनसे हमारी दुश्मनी हो जाती है, कॉल नहीं मिलती. अच्छा, वो ये हो जाता है, पहले ही मिला ली है. अच्छा अच्छा अच्छा, अरे रखी जी पहले तो आप मुझे सवाल के जवाब बता दीजिए, कुरान पाक में कुल कितने रुकू है? सिर्फ 558 रुकू है, इससे ज्यादा नहीं है. 558 558 ठीक है. अच्छा चलो ठीक है, आपका आंसर ले लिया. डॉक्टर साहब से बताएं क्या सर्विस लेने के लिए आप लोग जा रहे हैं? बस डॉक्टर साहब को मिलना है, सर्विस क्या लेनी है हम. तो डॉक्टर साहब आ जाइए, आप आ जाइए, मुलाकात भी हो जाएगी इंशाल्लाह. और इतने अच्छे पैकेजेस हैं जो 5-6 thousand के हैं, वो 1500 में मिल रहे हैं. 1500 में इसमें तो आप हम शुक्र गुजार हैं वाकई माशाल्लाह, इतना डिस्काउंट तो कोई कॉलर दे ही नहीं सकता जितना की आप फ्री मतलब. और माशाल्लाह पता है उसकी सर्विसेज भी बहुत वीआईपी हैं और प्रोडक्ट भी हमारी माशाल्लाह बहुत अच्छी है. आप इंशाल्लाह आएंगी तो फिर जो है जरूर जरूर हर महीने तो मुलाकात होगी. नहीं डॉक्टर साहब आपको कहने की जरूरत ही नहीं, माशाल्लाह हमें खुद ही पता है. डॉक्टर साहब मैं ये भी पूछ रही थी कि डॉक्टर साहब की जो टाइमिंग से वो अब चेंज कब से हो रही है? टाइमिंग आज से जो है हमारी टाइमिंग जो है अब ईद के बाद भी जो है रहेंगी 12 बजे से लेकर रात 9 बजे तक. 12 से 9 तक है, ठीक है, यानी आज 9 बजे तक है. जी बिल्कुल, आज 9 बजे तक है. ठीक है ठीक है जी. अल्लाह रखी जी, बहुत अच्छी लग रही है, बहुत नवाजिश है आप, मेहरबानी है, आखिर में मुझे मस्का भी लगा देते हैं जाते जाते. चलिए जी, थैंक यू सो मच. मैं आप लोगों की क्या कहते हैं डॉक्टर, ममनून हूँ. आपको कैसे पता चला कि मैं ये कहने वाली हूँ? मशहूर अरे बट मुझे इसी में ममनून, मुझे पता है ना आप जो है उर्दू के बहुत मुश्किल मुश्किल लफ्ज ढूंढ कर जो है क्या नाम है इसकी एक वजह भी है. डॉक्टर साहब आपकी इजाजत हो तो बताओ. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. देखिए हम जो है ना वो अपनी जुबान से बहुत दूर रहते हैं, हमारी जो अपनी इतनी मीठी इतनी खूबसूरत जुबान है कि इससे हम इतना दूर रहते हैं, और हम जो हम इंग्लिश बोल के और ये इस तरह से जाहिर करते हैं कि हम बहुत ऊंची चीज है. तो यही चीज अगर हम चाइनीज में देखें, कुछ भी अगर उनको भी आती हो बहुत सारी लैंग्वेजेस, बट वो अपनी जुबान में बात करना फख्र महसूस करते हैं, तो हम क्यों नहीं. तो मैं कोशिश करती हूँ अगर एक दो बार गलती भी हो जाए कोई बात ही, तीसरी बार जो है वर्ड में बिल्कुल सही. हम इतनी आदत हो चुकी है कि हम लोग कहीं ना कहीं इंग्लिश का वर्ड शामिल कर लेते हैं, देखो प्रोनाउंसिएशन सही हो ही जाएगी. तो कोशिश आप लोग भी करते रहे क्योंकि हमारी जुबान बहुत खूबसूरत है. एक कॉलर हमारे साथ है, अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ, आप दोनों तो बहुत प्यारे लग रहे हैं आज. बहुत शुक्रिया. हम दोनों से कौन ज्यादा? आप ही लगेंगी ज़ाहिर है. आज सबको कंफ्यूज कर. अच्छा चलो बताओ भाई कौन लग रहा है ज्यादा अच्छा. सही हो के बैठ. हेलो, वैसे तो आप दोनों ही प्यारे लग रहे हैं लेकिन डॉक्टर साहब वैसे आप ज्यादा. ये तुम लोग मेरा वोट हो गया. ये मैं बताती हूँ अभी, तुम लोग ने प्राइस के चक्कर में ना डॉक्टर साहब को. लेकिन माशाल्लाह डॉक्टर साहब आज जो है ना वो चमक रहे हैं बिल्कुल, हमेशा अच्छे लगते हैं, बट ग्रीन कलर डॉक्टर साहब भी बहुत सूट कर रहा है. ये कलर बहुत सूट कर रहा है. हाँ जल्दी से आंसर बताओ, और कोई सवाल पूछना है डॉक्टर साहब से तो पूछो, और अपना नाम भी बताओ और क्या सर्विसेज लेना चाहती हो डॉक्टर साहब से ये भी बताओ. आप पहचानो ना मैं कौन हूँ. मैं कौन बोल रही हूँ आप पहचाने? कौन बोल रही है? अच्छा यानी कि हम पहचाने तो हमें क्या इनाम मिलेगा आपको पहचानेंगे तो? दुआएं. वेरी गुड, आपको भी आज दुआएं मिलेंगी और बहुत सारी दुआएं मिलेंगी, और हमारी पूरी टीम मिलके आपके लिए दुआ करे. कौन है? कौन है जी, जल्दी से नाम बता दीजिए. जाने डॉक्टर साहब आप यार जल्दी से, और कॉलर्स भी है स्वीटी, जल्दी से नाम बता दो, कॉल ड्रॉप हो जाएगी. मरियम बात कर रही हूं. मरियम बात कर रही हूं. मरियम जल्दी से आंसर बताओ. 540.
540. ओके मरियम, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग. यहाँ मैं चाहती हूँ कि आप लोग जल्दी जल्दी से जो है ना वो बात करके आंसर भी दे के फिर इस तरह से टाइम वेस्ट होता है और आपकी कॉल ड्रॉप. अच्छा, ये आंसर देने के साथ साथ अगर ये चाहे ना तो ये भी कर सकते हैं कि जैसे कल 14 अगस्त है तो छोटा सा कोई मिली नगमा या कोई खूबसूरत सी नात के चंद अशआर जो है अगर वो सुना दें तो अप्सरा ब्यूटी सैलून की जानिब से हेयर कटिंग आपको फ्री है. जबरदस्त, ये सब के लिए जो सुनाएंगे जो सुना देंगे. चलो ठीक है जनाब, अभी से आपके लिए ऐड करते हैं. डॉक्टर साहब माशाल्लाह से आप लोगों का इतना ख्याल करते हैं, तो अब आपने क्या करना है कि जब भी आप कॉल करें तो आप दो लाइंस कोई भी खूबसूरत सा पाकिस्तान का कोई तराना, मिली नगमा, कौमी नगमा कोई भी आप सुना दीजिए, ठीक है जी. इस पर आपको हेयर कट मिल सकता है ईद के करीब. और ये देख लीजिए कि आप लोगों के लिए डॉक्टर साहब कितने मेहरबान हैं. इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि जो ईद के करीब अपनी खूबसूरती को और ज्यादा निखारना चाहते हैं तो वो 1500 में 15 सर्विसेज अवेल कर सकते हैं अप्सरा ब्यूटी सैलून पर. और जो अभी तक अप्सरा ब्यूटी सैलून नहीं गए हैं तो वो लोग तो मिस कर देंगे. वो जो है ना एक क्या कहते हैं कि एक बहुत ही जो डिस्काउंट वाली चीज है ना उसे फायदा हासिल करने से रह जाएंगे. बट उनको एड्रेस चाहिए तो वो डॉक्टर साहब बता देंगे और टाइम देकर या आप लोग कॉल करके भी डॉक्टर साहब के पास आ सकते हैं. जी बिल्कुल, जो है ये आ सकते हैं गुलशन इकबाल में है, ब्लॉक 10 के अंदर, R48 बैंगलोर नंबर है और टाइमिंग उसके 12 बजे से लेकर रात 9 बजे तक के हैं. तो आप अगर चाहें तो ये सर्विसेज तो ले ही सकते हैं. इसके अलावा अगर आप चाहें तो ब्राइडल की भी बुकिंग करा सकते हैं. मीडिया मेकअप होता है हमारा और माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है. इसके अलावा आप बालों के लिए फैशन कलर डाई लेना चाहें किसी भी तरह की तो बहुत ही खूबसूरत और अच्छे यानी कि आपके बाल ईद पर नजर आएंगे. बाज़ ऐसा होता है कि लोग बालों में एक्सटेंशन लगाते हैं तो उसमें लगाने की उसे भी जरूरत नहीं है. वो जो वन कलर के जो चल रहे हैं तो उसी में ही हम आपको स्ट्रिकिंग कलर इतना खूबसूरत देंगे क्योंकि जो यंग लड़कियां हैं वो ज्यादातर रेड कलर और येलो और जो है ब्लू कलर ज्यादा डाई करा रही हैं. तो दो साइडों पे एक साइड पे यानी कि ना दो यानी कि छोटे छोटे से वो करके बेहतरीन जबरदस्त आपको अलग-अलग से फिर वो जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप एक्सटेंशंस लगा के बालों को हाईलाइट कर रहे हैं या डिफरेंट शेड्स दे रहे हैं तो उसी में आपको नेचुरल लुक मिलेगा और अच्छा होगा. इसके अलावा रिबॉन्डिंग के लिए आप जो है अपॉइंटमेंट करा सकती हैं. रिबॉन्डिंग का माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट है. अमूमन काफी सुनने में आता है कि जब रिबॉन्डिंग कराते हैं तो बाल बहुत ज्यादा गिरते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है. तो हमने इतनी यानी कि इसमें चीजें रखी हैं कि आपके बालों को कोई इंशाल्लाह नुकसान नहीं होगा, नुकसान नहीं पहुंचेगा. और इसके साथ साथ हम एक प्रोटीन ट्रीटमेंट तो आपको फ्री भी दे रहे हैं इसके साथ. ठीक है, किसके साथ प्रोटीन ट्रीटमेंट भी मिल जाएगा कि आपके बाल इतने डैमेज नहीं होंगे कि जी कहीं आप सोच रहे हो कि रिबॉन्डिंग करवाने के बाद बालों का असर बुरा हो जाएगा. बट डॉक्टर साहब ऐसे ट्रीटमेंट्स देंगे कि इंशाल्लाह आपके बाल वो एक स्ट्रेट आपको लुक भी मिलेगी, शाइनिंग, और प्लस आपको प्रोटीन ट्रीटमेंट भी मिल सकता है. अच्छा डॉक्टर साहब, जो वन कलर शेड लेना चाहते हैं वो खवातीन भी आ सकती हैं. वन कलर जो है शेड हमारा जो है वो बहुत यानी कि खूबसूरत कलर है और उसी में अगर चाहें तो वो जो है तीन कलर भी ले सकते हैं, चार कलर भी ले सकते हैं. अच्छा, और उसका हेयर स्टाइलिंग भी आप उसमें ले सकते हैं क्योंकि इसमें जो आपका मेक ओवर होगा, हेयर स्टाइलिंग आजकल शोल्डर तक की जो चल रही है राउंड में चल रही है वो भी बहुत खूबसूरत है. इसके अलावा अगर किसी के लॉन्ग हेयर हैं तो उसमें जिनके बहुत ज्यादा सिल्की हैं तो थोड़ा सा जो है कर्ली उसमें ले सकती हैं स्टाइल. बहुत खूबसूरत यानी कि यह है कि आप जिस तरीके से यानी कि आप मूव करेंगे उसी तरीके से आपके कलर शेड झलकेंगे. बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए जायदा जी कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह करम. अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर साहब. वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र. माशाल्लाह आपसे तो मुलाकात हुई नहीं मेरी, लेकिन आपकी बेटी से मुलाकात हुई थी तो माशाल्लाह बहुत ही स्वीट हैं, बहुत ही अच्छी हैं. और जो है मैंने सलाम भेजा था, मिल गया था आपको? हाँ सलाम मिल गया था, मैंने उसी वक्त जवाब दे दिया था. बिल्कुल, वो आपको मिल गया जवाब देना चाहिए. और है ना मेरी बेटी, मेरे बेटी को डांटा मैंने कि तुम आना से क्यों नहीं मिली, कह लेंगे वो अपने काम में लगी थी, सब निकली है मेरे सामने से. वो हमारी फैमिली भी आई हुई थी कल. अच्छा वो कितने बजे आई? मिलती हूँ, इतनी अच्छी है वो तो. अरे मुझे मेरी मुलाकात नहीं हो सकी. हाँ बहुत जल्दी चली गई थी मैं. दोनों घर से आई हुई थी और घर पे जाते फारा सॉर्गन करना था, मसला नहीं. इंशाल्लाह ईद से पहले मैं एक बार फिर जाऊंगी, इंशाल्लाह हो सकता है कि चांद रात को, वरना मैं अनाउंस कर दूंगी आप लोगों को, मैं बता दूंगी कि डॉक्टर साहब वहाँ पे आप लोगों से मुलाकात होगी सबसे. ठीक है जी, तो वो कल इत्तेफाक नहीं था कि मैं थोड़ी देर के लिए. हेलो जी जी, मैंने कहा आवाज थोड़ा रुक रही थी. नहीं नहीं, बस मैं सवाल का जवाब दे दूं आपको. 540 रुकू है ठीक है ना? ठीक है जी, ओके.
और डॉक्टर साहब मैं शुक्रिया फिर अदा करूंगी आपका कि आपने बहुत अच्छी सर्विस की, ये नहीं कि हम आपके मुंह देखे कि शुक्रिया तो मुझे पता है करना चाहिए आपका कि माशाल्लाह देखिए मैंने तो आपको विन किया था लेकिन आपने तो माशाल्लाह इतने क्लाइंट भेजे हैं।